हेलो फ्रेंड्स, आप ग्रीन चिली का एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रीन चिली का एक्सपोर्ट का पैकिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले होता है शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लोग जो है इसका शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग के अंदर जो चिली अच्छी नहीं है उसको बाहर निकाल दी जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये रिजेक्शन है, आप देख सकते हो। तो ऐसी चिली को जो है बाहर निकाल दी जाती है और उसके बाद जो है इसका बॉक्स पैकिंग किया जाता है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो सबसे पहले जो है आपको फार्मर से ऐसा चिली लाना पड़ेगा। यहाँ पे पैकाउ से आप देख सकते हो, पूरा पैकाउ से यहाँ पे चिली आएगा, उसका शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग होगा, उसके बाद जो है उसको बॉक्स में भरा जाएगा। आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो पीछे जो है बॉक्स में इसको भरा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको चिली एक्सपोर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। चिली जनरली जो है अराउंड जो है 13 टन जो है कंट्री के अंदर जाती है, डिपेंड्स ऑन कंटेनर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप चिली एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो अराउंड 13 टन जो है कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट होता है। तो आपको जो है लाइक 15, 16 या 17 टन जो है आपको चिली परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो है शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग में थोड़ा चिली निकल जाएगा। डिपेंड ऑन चिली, अगर अच्छा चिली चिली है तो कम निकलेगा, वरना ज्यादा भी निकल सकता है। तो आपको 13 टन चिली जो है एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए 14 या 15 टन चिली आपको परचेज करना पड़ेगा। जो रिजेक्शन निकलेगा वो आपको यहाँ पे लोकल मार्केट में सस्ते दाम पे बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चिली का जो है पैकिंग हो रहा है, और पैकिंग के अंदर जो है यहाँ पे एक जो है पाउच भी डाला जा रहा है, आप देख सकते हो, जिससे वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और इसका शेल्फ लाइफ जो है बढ़ता है, इसलिए पाउच जो है डाला जाता है। आप देख सकते हो, पाउच का सैंपल भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इससे जो है लॉन्ग टर्म के लिए चिली जो है अच्छी रहती है। क्वालिटी कैसे चेक होता है? क्वालिटी आप पूरा देख के चेक कर सकते हैं ना, लेफ्ट टेस्ट रिपोर्ट होता है, ऐसे चेक है कि भाई ग्रीन है, कैसा है, लाल है, इसमें क्या है, छोटा है, बड़ा है, तो इसको ऐसे देख के चेक करना पड़ेगा। धान पिक करके, हाँ, हैंड पिक करके, यार क्वालिटी इज दिस। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको एक्सपोर्ट करना है तो जनरली जो है बॉक्स के अंदर जो चिली आता है वो आता है लाइक 3.8 किलो आता है नेट वेट, और उसके बाद ग्रॉस वेट जो है 4.5 किलो तक जा सकता है, डिपेंड। तो यहाँ पे जो है सारे स्टूडेंट इंटरेक्शन कर रहे हैं कि सर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक बॉक्स हमको कहाँ से मिलेगा, चिली का सप्लाई जो है हमको कहाँ से मिलेगा, और हम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसका रिफर कंट्री आता है, उसमें टेम्परेचर वगैरह कितना लाइक रखना है, वो पूरा जो है स्टूडेंट प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं कि भाई कैसे कर सकते हैं, फिजिबल कैसे है, वो पूरा पूछ रहे हैं। तो इंटरेक्शन लाइव चल रहा है। सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग क्या बोले? तो यही है ना सर, नेट पकड़ते हैं, नेट पकड़ते हैं, नेट 13 टन जाएगा। वॉटरमेलन का हो गया, मक्स मेलन का हो गया, सीएचए नहीं करेगा ये पूरा, सीएचए का पार्ट यहाँ से इससे आगे से शुरू होता है, इसके पीछे का पार्ट है, ये प्रोडक्ट का पार्ट है, प्रोडक्शन का पार्ट है, इससे सीएचए को कोई लेना देना नहीं। आप कहाँ से लाते हो, क्यों लाते हो, कैसे लाते हो, वो पूरा डिफरेंट पार्ट है। सीएचए का पार्ट यहाँ से शुरू होगा, अगर कंट्री लोडिंग है तो कंट्री इधर आता है और लोड होता है। पर वो पॉसिबल है, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल को ये शॉर्टिंग ग्रेडिंग एंड ये सब करना ही पड़ता है, तो उसको प्री कूलिंग करना ही पड़ता है। नासिक में कोल्ड स्टोरेज है ना, तो कर सकते हो, लेकिन वहाँ की परमिशन परमिशन का मिल जाता है, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल को मिल जाता है। हाँ हाँ, वो परमिशन मिल हाँ, वो तो बोलना पड़ेगा ना कि मेरे को दुबई भेजना है, जबल अली पोर्ट भेजना है, तो मुझे उसका प्राइसिंग दो। तो यहाँ पे जो है सारा पैकिंग चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे चिली के जो बॉक्स है उसको पूरा पैक किया जाता है, पूरा प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले जो है चिली बाहर से आता है, उसके बाद उसका शॉर्टिंग ग्रेडिंग किया जाता है, उसके बाद जो है उसका बॉक्स में पैकिंग किया जाता है, और बॉक्स में बॉक्स को जो है यहाँ पे पट्टी लगाई जा रही है, आप देख सकते हो। तो इसी हिसाब से जो है चिली पैकिंग का पूरा प्रोसेस होता है। अब ये जो बॉक्सेस है ना, ये प्री कूलिंग के अंदर जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाएंगे, जिसका प्री कूलिंग होगा, उसके बाद कंटर आएगा और उसके अंदर ये लोड होंगे। तो फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल में जनरली जो है प्री कूलिंग भी करना पड़ता है, तो आप जो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर प्री कूलिंग कीजिएगा और उसके बाद जो है इसको एक्सपोर्ट करना है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखने के लिए हमारा जो ट्रेनिंग है उसे ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल
टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।